हाय गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम दुबई ट्रैवल्स रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाते रहते हैं और हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं दुबई ट्रैवल्स रिलेटेड। पर एक टॉपिक जो हमने अभी तक कवर नहीं किया है और जिसके बारे में हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं, वो है फूड रिकमेंडेशन के बारे में। तो जितने भी लोग दुबई घूमने के लिए आना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि जब वो दुबई घूमने के लिए आएँ तो वो यहाँ पर कहाँ पर खाना खाएँ। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे, जब आप दुबई घूमने के लिए आते हैं तो टूरिस्ट अट्रैक्शन में घूमने के बाद में आपको भूख तो लगेगी, तो आप खाना खाने के लिए कहाँ जा सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे वो सारे रेस्टोरेंट्स, कैफेज और खाने की जगह जहाँ पर आप खाने के लिए जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने फूड के लिए बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप एकदम मुतमईन हो जाएँ अपने खाने को लेकर दुबई में आने के बाद। ये वीडियो देखने के बाद में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर टूरिस्ट अट्रैक्शन पर कि आप कहाँ कहाँ पर क्या क्या खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल से। अगर आप दुबई मॉल अकेले आए हैं या अपने पार्टनर के साथ आए हैं या फैमिली के साथ आए हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ आए हैं, हर केस में आपको यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रेस्टोरेंट मिल जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। दुबई मॉल के हर सेक्शन में फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं और उसके साथ में एक फूड कोर्ट है जहाँ पे आप फास्ट फूड या बजट में खाना खा सकते हैं। तो अगर बजट आपका कंसर्न है तो आप वहाँ पे मैकडोनल्ड्स में जा सकते हैं, क्योंकि मैकडोनल्ड्स सभी को पसंद है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ का वेज बर्गर बेस्ट है, जो कि मेरा फेवरेट है। इसके अलावा फूड कोर्ट में और भी रेस्टोरेंट्स हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दुबई मॉल का जो फाउंटेन शो है उसके सामने एक सूक अल बहार कॉम्प्लेक्स है। सूक अल बहार में भी काफ़ी सारे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर बजट आपका कंसर्न नहीं है तो आप शेक्सपियर एंड को रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करें, इसका एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इटालियन फूड के लिए ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है और हम यहाँ पर ज़रूर जाते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड के साथ एक मिंट बटर मिलती है जो कि बहुत ही स्पेशल है। तो अब बात करते हैं मिरेकल गार्डन की, जिसके बारे में आई एम श्योर आप में से सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये एक नहीं तीन तीन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्ड करता है और इसके बारे में हम अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुके हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जब आप मिरेकल गार्डन घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास खाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो वहाँ पर हार्डीज़, पिज़्ज़ा हट, हज़रत लेबनन, ऐसे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और कैफेटेरियाज हैं जहाँ से आप फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, अरबिक, बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। उसके अलावा आइसक्रीम पार्लर, जूस कॉर्नर, कॉफ़ी शॉप, या अगर आपको चाय पीनी है या सैंडविच, कुछ भी लाइट स्नैक्स खाने हैं, तो कैफेटेरियाज, काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं दुबई फ्रेम की, जो कि अगेन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में ज़्यादातर चीज़ें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है और गोल्ड प्लेटेड है, इसलिए ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। तो गाइज, दुबई फ्रेम के पास तो एज सच कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े नहीं है, नीचे सिर्फ एक फूड ट्रक है जहाँ पर सिर्फ चाय कॉफ़ी टाइप ही मिलती है। बट दुबई फ्रेम के ऑपोजिट एक एरिया है जिसका नाम है अल करामा। आप वहाँ पर टैक्सी करके जा सकते हैं और टैक्सी का फेयर बहुत ही कम लगेगा क्योंकि ये बहुत ही पास है। और जैसे कि हमने आपको मैप में जूम करके दिखाया है कि वहाँ पर बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, और जैसा कि हमने आपको अपनी पुरानी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना काफ़ी अफोर्डेबल होता है। तो आपको प्राइस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अफोर्डेबल हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं। आप गूगल पे इसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, मेन्यू चेक कर सकते हैं कि किस रेस्टोरेंट में क्या खाना मिलता है। यहाँ पे आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने पर्सनली यहाँ पर एक रेस्टोरेंट रसोई घर, वहाँ पर खाना खाया है, तो हमें तो वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर राजस्थानी थाली मिलती है, अच्छा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, तो अगर आपका ऐसा कुछ खाने का मन है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और ये पूरा एरिया ही इंडियन पाकिस्तानी खाने के लिए फेमस है, तो आप बेझिझक किसी भी रेस्टोरेंट में जाके यहाँ खाना खा सकते हैं। और अब बात करते हैं लामेर बीच की, जिसके बारे में हम अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुके हैं। ये बहुत ही हैपनिंग है और यहाँ की वाइब बहुत ही ज़्यादा लाइवली है और ये मेरा फेवरेट बीच है दुबई में। तो यहाँ पर आप फिली कैफ़े में खाना खा सकते हैं,
जो कि हमारा फेवरेट है। ये दुबई में बहुत सारी जगह पर है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, काठी रोल, फ्राइज, नाचोस, जूस, शेक्स, चाय, कॉफ़ी, हर चीज़ मिलेगी। और यहाँ के स्वीट पोटैटो फ्राइज ट्राई करना मत भूलिएगा। मोमोज से लेके आपको यहाँ पर हर देसी चीज़ मिलेगी। तो अगर आपको कुछ देसी खाने का मन है तो फिली कैफ़े में ज़रूर खाना ट्राई करें और हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपने कहाँ पर खाया और क्या खाया और आपको वहाँ का खाना कैसा लगा। इसके अलावा अलामेर में बहुत सारे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट कैफेज हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है कंपैरेटिवली। तो गाइज अब बात करते हैं जुमेरा बीच की, जो कि मसरूर का दुबई में फेवरेट बीच है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं करने के लिए। और यहाँ पर जब आप घूमने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सी फूड रेस्टोरेंट जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और ये जुमेरा बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इनके फ़िश और प्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। दुबई के अलावा लोग शारजा, आबू धाबी, डिफरेंट एमिरेट्स से ये खाने के लिए आते हैं। और मुझे सी फूड वैसे जनरली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट यहाँ के फ़िश और प्रॉन्स खाने के लिए आई एम ऑलवेज़ रेडी। और हमारे जब भी कोई इंडिया से फैमिली फ्रेंड्स आते हैं तो हम उनको लेके यहाँ ज़रूर जाते हैं और सबको यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। तो आपको यहाँ के प्रॉन्स और हमूर फ़िश ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, जो कि यहाँ की लोकल फ़िश है। अब बात करते हैं ग्लोबल विलेज की, जो कि विंटर्स में ही ओपन होता है। इस साल ये 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और मार्च तक ओपन रहेगा। अगर आप दुबई आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको ट्रेड फेयर के बारे में मालूम होगा, दिस इज़ समथिंग लाइक दैट, जहाँ पर सारी कंट्रीज़ के पवेलियंस होते हैं, वहाँ की खाने पीने की चीज़ें, सामान, कपड़े, एक्सेसरीज, कॉस्मेटिक्स, हर चीज़ मिलती है। तो ये शॉपिंग करने के लिए तो एक बहुत बढ़िया जगह है ही। उसके अलावा यहाँ पर आपको दुनिया भर की डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट खाने देखने को मिलेंगे। तो जब आप यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर इंडियन पाकिस्तानी खाने के अलावा दूसरे देशों की भी क्यूजिन ट्राई करें। तो यहाँ जाके आप बिना फ्लाइट और वीज़ा के डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर और क्यूजिन का मज़ा ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं दुबई मरीना वॉक की। जब आप मरीना वॉक में वॉक कर रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा कि मरीना वॉक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और एक्सपेंसिव एरिया है। और खाने की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई एंड रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। कई सारे सेलिब्रिटी शेफ्स ने भी अपने रेस्टोरेंट यहीं पर खोले हुए हैं। आप चाहें तो गूगल मैप्स पर जाके रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हैं और रिव्यूज़ और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ और कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो अगर आपने किसी और कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट के चेन्स ट्राई नहीं करी हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि नैंडोज़ एक अफ्रीकन पोर्चुगीज़ रेस्टोरेंट है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ का बेस्ट सेलर पेरी पेरी चिकन है, तो अगर आपने ट्राई नहीं किया तो इसको ज़रूर ट्राई करें। एज़ अ देसी आपको ये रेस्टोरेंट इसलिए पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पर जो डिश में पड़ने वाली सॉस होती है उसकी इंटेंसिटी आप अपने आप चूज़ कर सकते हैं। तो डिश में आप कम तीखे से बहुत ही ज़्यादा तीखा भी डाल सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर आकर इंडिया खाना खाने की बहुत ही ज़्यादा तलब लग रही है और याद आ रही है तो आप इंडिया पैलेस रेस्टोरेंट जा सकते हैं, जहाँ की बिरयानी हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर आप बजट पे चल रहे हैं तो आप सबवे जाके वहाँ का सैंडविच भी खा सकते हैं। और गाइस अगर आपको हमारी एनर्जी थोड़ी लो लग रही होगी तो वो इसलिए क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, हमें कोल्ड और फीवर है, इसलिए आपको हमारी आवाज़ भी थोड़ी अलग लग रही होगी। और उसके बाद भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हम एक भी दिन का ब्रेक नहीं लेते और हर हफ्ते आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल और हेल्पफुल और यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे। तो आइए बात करते हैं अलसीफ विलेज की। अलसीफ विलेज एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ के रेस्टोरेंट्स में बैठकर आपको लगेगा कि आप पुराने अरबिक एरा के रेस्टोरेंट में बैठ गए हों। इन पुराने आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स में आपको बहुत सारे हाई एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। कमेंट में बताइए कि आपने अलसीफ विलेज को किस म्यूज़िक वीडियो की शूटिंग में देखा है। अलसीफ विलेज से काफ़ी सारे ढाव क्रूज़ भी चलती हैं, जहाँ पर लोग शाम को आकर ढाव क्रूज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं और वहाँ पर डिनर भी करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ घूमने के पर्पस से आए हैं और आपको इंडियन खाने की तलब लग रही है तो आप बीकानेर वाला रेस्टोरेंट जा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक है। बीकानेर वाला हमें इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर टेस्ट हमेशा कंसिस्टेंटली सेम होता है और यहाँ पर हम छोले भटूरे ज़रूर खाते हैं। और अगर आपको अरबिक फूड पसंद है तो हम आपको अल मल्ला रेस्टोरेंट ज़रूर से रेकमेंड करेंगे, क्योंकि इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और फ्रेश होता है। और हाँ, आने से पहले चेक कर लें कि ये रेस्टोरेंट खुले हैं या बंद हैं। अब बात करते हैं अल फहीदी म्यूज़ियम स्पाइस सूक और गोल्ड सूक एरिया की। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस टाइम पर अल फहीदी म्यूज़ियम कंस्ट्रक्शन के लिए बंद है, बट जब भी अल फहीदी म्यूज़ियम रीओपन होता है
तो आप आगे बताए गए रेस्टोरेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। अल फैदी म्यूज़ियम, गोल्ड सूक, स्पाइस सूक, ये सारे बर दुबई एरिया में आते हैं जो कि फूड लवर्स के लिए जन्नत है। यहाँ पर आपको बहुत ही पुरानी और फेमस दुकानें मिल जाएंगी जहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब और बेमिसाल है। आप गूगल मैप्स पर जाके रेस्टोरेंट सर्च करें यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि कितनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप चूज़ करने में ही थक जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ जाएं और कहाँ पर ना जाएं। अगर आप एक बिरयानी फ़ैन हैं और आप हमेशा अच्छी बिरयानी की तलाश में रहते हैं, तो आपको पाक लियारी रेस्टोरेंट ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की बिरयानी दुबई में नंबर वन मानी जाती है। और अगर आपने यहाँ की बिरयानी टेस्ट करी हुई है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। बर्दुबे की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, और अगर आप वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की तलाश में हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमने टॉपिक सोचा है कि टूरिस्ट प्लेसेस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके कैसे जा सकते हैं, यानी कि कौन सी बस कहाँ से जाती है मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे, या नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। तो हमें जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे बेस्ड ऑन दैट, फिर हम इस टॉपिक पर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ, ताकि आपसे अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। ऑलराइट गाइस, तो था इसका वीडियो। आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा, और इस वीडियो देखने के बाद आपको मालूम पड़ा होगा कि आप जब यहाँ पे दुबई घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप कहाँ खाना खा सकते हैं, और जब आप वहाँ पे खाना खाने जाएं तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगी वो जगह और वहाँ का खाना, हमें रिव्यू दें उस जगह के बारे में। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुबई के बारे में सब कुछ जान पाएँ और वो अपना ट्रिप प्लान कर पाएँ, उनको सारी नॉलेज सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए दुबई से रिलेटेड। और अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।